नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलू कोचिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म में आपका एक बार स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के पेपर के लिए 10 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने नंबर के करने वाले हैं? 10 नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। 10 नंबर ये मान लीजिए आपके पेपर में आना है इससे, तो 10 नंबर के क्वेश्चनों के लिए हमें ये वीडियो पूरी देखना होगी। इसके लिए हम आपको एक सवाल करवाएंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन से संबंधित है और एक भिन्न से है। तो प्रतिस्थापन विधि का सवाल यह है, कौन सा है तो हम देखेंगे। सवाल है x प्लस y बराबर में 5। दूसरा है समीकरण, दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर में है 4। ये क्वेश्चन है, तो इसको बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि लिखा आएगा पेपर में और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। तो इस 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे बेटा, हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक उतार लेंगे, क्या है x प्लस y बराबर 5। इसका करेंगे पक्षांतर। तो क्या करेंगे, y जाएगा 5 के पास या x जाएगा, किसी को भी हम ले आ सकते हैं पक्षांतर करके, ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो x को ले आते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस x, ये हो गया नंबर 3। ठीक, अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बेटा, बोता लेंगे 2x माइनस 3y बराबर में 4। ठीक है, तो 2 ऐसा कैसा रहेगा, x ऐसा कैसा रहेगा, 3 ऐसा कैसा रहेगा, और इस y की जगह पर हम y का मान है 5 माइनस x वो रख देंगे बराबर में 4। ठीक है, 2x ऐसा कैसा रहेगा, माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, 3 का गुणा करेंगे x में प्लस के 3x और बराबर में 4। ठीक है, तो 2x और 3x कितने हो गए बेटा, 5x माइनस के 15 बराबर में 4। इसको पक्षांतर कर देंगे, 15 जाएगा उधर पक्षांतर होके, यहाँ लिख दो पक्षांतर करने पर, 15 जाएगा उधर, तो 5x अपनी जगह पर रहेगा, 4 भी अपनी जगह पर रहेगा, सिर्फ माइनस के 15 प्लस 4 के स्थान पर जाएंगे पक्षांतर होके, तो माइनस के होते हैं वो काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा, 15 और 4 कितने हो गए 19, 5 जाएगा बटे में, x बराबर 19/5, ये हमारा एक आंसर आ गया। इसी प्रकार जब ये आंसर आ गया हमारा एक, तो x का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, y बराबर है हमारे पास में 5 माइनस एक्स, तो y बराबर लिखेंगे 5 माइनस एक्स की जगह रखेंगे 19/5, तो क्या निकलेगा बेटा, y बराबर 5 हमारा एलसीएम आएगा, और 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, और 1 का गुणा 19 में तो 19, तो 19 25 में जाएंगे 19, तो कितने बचेंगे भाई,
25 में से घटाएंगे 19, जैसे ऐसे घटाओ जिसको घटाना नहीं आता, 25 में जाएंगे 19, 15 में सुन हो गया 6 बज गए, कितने बचे 6 बटे में 5, तो y का मान निकल के आया हमारा बेटा 6/5। इसको आराम से उतार लो, नोट कर लो। बाद में सवाल नंबर दूसरा है हमारा, ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। क्या है? दो संख्याओं का, ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणा है, उन्हें हल कीजिए। 3 गुणा है दो संख्याओं का अंतर, तो यहां पर लिखेंगे हम, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बाय है। तब प्रश्न अनुसार, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी 4 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, तब प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग है, तब प्रश्न अनुसार यहां लिखेंगे पहली शर्त, बिल्कुल जमाना है आपको पेपर में, जैसे मैं लिख रहा हूं पहली शर्त में क्वेश्चन का कहना है दो संख्याओं का योग, पहली संख्या x दूसरी y, योग मतलब प्लस, योग कह रहा है कि अंतर कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। अंतर का मतलब होता है घटाना, एक्स माइनस वाई बराबर 26 पहला समीकरण बन गया। अब लिखेंगे दूसरी शर्त, एक संख्या दूसरी की कितनी गुणी है 3 गुणी है, नंबर हो गया 2, तो एक्स बराबर आया हमारा 3y, तो हम क्या करेंगे यहां पर, जब इसका हम अलग लिखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस y बराबर 26, ठीक है, तो x का मान कितना है 3y, तो 3y माइनस का y बराबर में क्या लिखेंगे हम 26, तो 3y में से 1y गया कितना बचा बेटा 2y बराबर क्या आ गया 26, 2 ले जाएंगे बटे में, y बराबर 26 बटे में 2, 2 से कट गया, y बराबर आ गया हमारा 2 एकम 2, 2 3 6, y का मान कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे बेटा, तो समीकरण 2 हमारे पास में x बराबर 3y, y का मान निकला है 13 रख दो y की जगह पर, x बराबर 3 गुणा 13, तो x बराबर 13 3 कितने होते हैं 39 लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। उतार लो जल्दी से, 4 नंबर का इससे पहले वाला हुआ और 4 नंबर का ये हो गया, तो कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए 8 नंबर हो गए, कितने हो गए 8 नंबर। इसके बाद में क्वेश्चन हम 2 नंबर का करेंगे,
जो कि पेपर में पूछे जाने की पूर्णतः उसकी संभावना है। क्या है वो हम देखेंगे, क्या है तो देखो ध्यान से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं मैं तीसरा, ये प्रायिकता का क्वेश्चन है। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। ये क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में पूर्ण संभावना है, इसकी 2 नंबर में 2 अंक के आने की पूर्ण संभावना है बेटा। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक बात का ध्यान रखना, सम की जगह वो बोल सकता है विषम भी, तो बोध क्वेश्चन भी ऐसे करना है आपको। और वो बोल सकता है क्या, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो भी ऐसे करना है आपको। या बोल सकता है 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 1 से 3 क्वेश्चन कैसे हल होंगे वो ध्यान से समझना है। तो देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे हल में, यहां दिया है एक पासे में कुल अंक कितने होते हैं। एक पासे में कुल अंक, एक पासा तुमने, आपने कभी लूडो खेली है। लूडो, लूडो में अपन एक गोटी डालते हैं ना, गोटिया, एक आ जाता है, दो आ जाता है, कुल 6 ही अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बेटा, 6 अंक होते हैं। तो पासे में कुल अंक कितने होंगे, 6, या इसको बोल सकते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हो गए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमारा क्या निकलेगा, इसको बोल सकते हैं NS बराबर कुल अंक है 6। पूछा क्या है, सम अंक आने की प्रायिकता। सम क्या होते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग 2 में जाता है, 4 में जाता है और 6 में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। जब अनुकूल परिणाम लिखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं एन ई, क्या बोल सकते हैं, एन ई। तो अनुकूल परिणाम, सम पूछा है तो 2, 4 और 6, तो एन ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, कुल 3। हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है, तो PE बराबर क्या होता है, NE बटे NS। तो PE बराबर हमारे निकल के आएगा NE का मान 3, NS का मान 6। सॉरी, 3 एकम 3, 3 दुनी 6। वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और जो क्वेश्चन आपको करवाना है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।